बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में रोजेदार महिलाओं पर जबरदस्ती रंग लगाने के मामले में पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। 3 नाबालिग बच्चों को लिया हिरासत में, चल रही है पूछताछ। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के धामपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके अंदर एक मुस्लिम फैमिली के ऊपर 5-6 लड़के जबरदस्ती उनकी गाड़ी रोक कलर डालते हुए लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो एसपी नीरज कुमार जादौन के पास पहुंचा, वीडियो देख एसपी नीरज कुमार जादौन ने कर दिए थे कार्रवाई के आदेश और बिजनौर खबर टीवी ने अपनी खबर के माध्यम से जनपद बिजनौर वासियों तक पहुंचाया था ये मामला, जिसका हुआ बड़ा असर। पुलिस ने लिया 4 लड़कों को हिरासत में, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताया जा रहा है इन 4 लड़कों में से सिर्फ एक ही लड़का है बालिग, बाकी है नाबालिग, जिनसे की जा रही है पूछताछ। जल्द होंगे ऐसी गंदी हरकत करने वाले अन्य आरोपी भी गिरफ्तार, क्योंकि बिजनौर में है एसपी नीरज कुमार जादौन, जो लेते हैं तुरंत फैसला और भेज देते हैं आरोपियों को जेल। आप लोगों को बिजनौर खबर टीवी की खबर का असर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एसपी नीरज कुमार जादौन की कार्रवाई कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, और सभी लोग खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार हो जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें, और देखिए जिस मुस्लिम फैमिली के साथ इन लोगों ने ये गंदी हरकत की है उसने क्या बताया। कहाँ के रहने वाले हैं? जमालपुर वाला। जो कल धामपुर में रंग लगाया गया महिलाओं के और आपके, क्या मामला था? जी सर, मैं दवाई लेने जा रहा था डॉक्टर की, अपनी बहन की माँ की, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरे रंग लगाया। आज धामपुर थाने आए हो आप, क्या तहरीर वगैरह दी है आपने? तहरीर दी है आपने, तो क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हो? जी।